नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो रही है। राज्य में करीब 5400 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस परिवर्तन यात्रा की पूरी जानकारी देते हैं। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा, राज्य में करीब 5400 किलोमीटर की होगी यह यात्रा। रात में स्थानीय लोगों से बीजेपी नेता कर रहे संवाद। कोडरमा में बीजेपी की परिवर्तन सभा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भरी हुंकार। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। यात्रा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। सोमवार को खूंटी पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर किया बड़ा वार। हेमंत सरकार लूट खसोट की सरकार है, बाबूलाल का बड़ा बयान। इंटरनेट बंद मामले में बोले बाबूलाल मरांडी। इंटरनेट बंद होने से परीक्षार्थी हुए परेशान। सिर्फ दिखावे के लिए होती है परीक्षा। एजेंसियां 4-5 दिन पहले ही कर देती है पेपर लीक, बाबूलाल का बड़ा दावा। नेटबंदी से राज्य भर में कामकाज प्रभावित हुआ है। पलामू की सभी सीटों पर कमल खिलेगा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। राज्य में करीब 5400 किलोमीटर की भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। रात में स्थानीय लोगों से बीजेपी नेता संवाद कर रहे हैं। बच्चे आए जो एग्जाम देने के लिए, उनको भी परेशान उन्होंने किया। और साथ में भाई नेट कहाँ बंद होता है, जहाँ कोई दंगा फसाद होने वाला होता है, जहाँ आतंकवादी का बड़ा कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो वहां बंद होता है। और एग्जाम में ये दिखाने के लिए कि हम बड़ा फेयर एग्जाम कराना चाहते हैं, वास्तव में क्या है वास्तविकता, ये तो जो उनकी एजेंसी है पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक करके बच्चों को पहले ही रटवा दिया जाता है, उस पर तो इन्होंने कोई जांच नहीं करता है। पहले जिस एजेंसी ने गड़बड़ किया है, उस एजेंसी को सिर्फ ब्लैक लिस्टेड किया है, उसके ऊपर उनको एफआईआर करते, उन लोगों को गिरफ्तार करते, वो तो किया नहीं है। आज भी अगर उनके बयान देंगे तो बच्चों के ऊपर बयान देते हैं कि बच्चे लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जहां परिवर्तन यात्रा चलती है वहां भाजपा की विजय होती है। ये परिवर्तन यात्रा भाजपा की ऐतिहासिक विजय का आधार बनेगी और झारखंड भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त होगा, घुसपैठियों के आतंक से मुक्त होगा, जो अवैध कब्जे हैं उनसे मुक्त होगा, विकास का जो कार्य ठप पड़ गया है उससे मुक्त होगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी और सरकार झारखंड का सर्वांगीण विकास। हेमंत सरकार तो जा रही है। तो आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन यात्रा आज कोडरमा में भी परिवर्तन यात्रा निकाली गई। सुभाष चौक से लेकर झुमरी तिलैया ब्लॉक मैदान तक यह यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि झारखंड में सभी 81 विधानसभा सीटों पर यह परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में रविवार को परिवर्तन सभा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। देखिए रिपोर्ट। कोडरमा में बीजेपी की परिवर्तन सभा। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार। हर मोर्चे पर हेमंत सरकार विफल, बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रामक है। झुमरी तलैया के ब्लॉक मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। मौर्य ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है। महागठबंधन की सरकार जमानत पर चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जमानत पर है। भ्रष्ट सरकार से जनता त्रस्त है। झारखंड की जनता परिवर्तन की मूड में है।
राज्य का विकास डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। जहां परिवर्तन यात्रा चलती है वहां भाजपा की विजय होती है। ये परिवर्तन यात्रा भाजपा की ऐतिहासिक विजय का आधार बनेगी और झारखंड भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त होगा, घुसपैठियों के आतंक से मुक्त होगा, जो अवैध कब्जे हैं उनसे मुक्त होगा, विकास का जो कार्य ठप पड़ गया है उससे मुक्त होगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी और सरकार झारखंड का सर्वांगीण विकास करेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 5 साल में हेमंत सरकार ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। बालू, कोयला, पत्थर, जमीन की लूट मची हुई है। जंगल जमीन की बात करने वाली है सरकार, जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है। यहाँ तक कि बालू तक तो इन्होंने नहीं छोड़ा और बालू को भी मिलान और बेचने का काम किया। आज लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए आवश्यकता होती है यह मिलते नहीं है। आज ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग का धंधा उद्योग बना दिया। आज अधिकारी बेलगाम है, छोटे छोटे काम को लेकर लोग जाते हैं अंचल में, ब्लॉक में, लोगों का जूता घिस जाता है लेकिन एक काम नहीं हो। बीजेपी को उम्मीद है कि परिवर्तन यात्रा से सत्ता का परिवर्तन होगा। चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा अपने मकसद में कितना कामयाब होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन सभा में जुट रही भीड़ से बीजेपी के नेता गदगद हैं। कोडरमा से न्यूज 11 भारत के लिए आर्यन की रिपोर्ट। तो 20 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। आज कोडरमा में परिवर्तन यात्रा निकाली गई और एक सभा भी संबोधित किया गया, जिस सभा को संबोधित किया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता रांची से राजेश और जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम राजेश का रुख करेंगे। राजेश, परिवर्तन यात्रा में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। आज कोडरमा में भी हमने देखा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और इस दौरान तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मौजूदा हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं झारखंड। खूंटी में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। क्या है तैयारियां, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। परिवर्तन यात्रा निकली हुई है और जैसा कि हम लोग हमेशा कहते रहे कि यह परिवर्तन यात्रा प्रमंडल स्तरीय है। 6 प्रमंडल हैं बीजेपी के हिसाब से, चूंकि उत्तरी छोटा नागपुर बहुत बड़ा प्रशासनिक प्रमंडल माना जाता है, इसलिए 2 भाग में इसे किया गया है। एक धनबाद प्रमंडल बनाया गया है, दूसरा जो रेस्ट है उत्तरी छोटा नागपुर। जेपी नड्डा का कल कार्यक्रम होने जा रहा है। कल वो लगभग 12 बजे, 11:30 से 12 बजे के आसपास विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे और खूंटी जाएंगे। वहाँ अमरेश्वर धाम है, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। जैसा कि आयुष आपने देखा होगा और यह इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिस प्रमंडल में ये यात्रा शुरू होती है तो जो मुख्य नेता होते हैं उस स्थल पर के जो एक बहुत ही पूजनीय स्थल होते हैं, जो आप कहें कि पूजा स्थल है, उस वहाँ जाकर पूजा अर्चना करते हैं। इसी क्रम में वो अमरेश्वर धाम जाएंगे और उसके बाद एक कचहरी मैदान में सभा होने वाली है, उसमें हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, बाबूलाल मरांडी रहेंगे, अर्जुन मुंडा रहेंगे, ये प्रमुख नेता वहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए उनके आगमन की तैयारी है, लोगों में जोश भी देखा जा रहा है। एक ही कार्यक्रम रखा गया है। वैसे पार्टी कार्यालय यहाँ रांची आने का तो कार्यक्रम, रांची आके वो चले जाएंगे खूंटी हेलीकॉप्टर से, फिर आके लौटने का कार्यक्रम है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो प्रदेश कार्यालय भी आ सकते हैं, तो अभी देखना होगा। दीपक प्रकाश जो इस पूरी यात्रा के संयोजक हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो कार्यक्रम के विषय में मोटे तौर पर यही है कि कल 12 बजे के आसपास वो पहुँचेंगे। खूंटी ज़्यादा दूर नहीं है रांची से, हेलीकॉप्टर से वहाँ जाएंगे और वहाँ कार्यक्रम करके फिर वापस रांची लौटेंगे। और खूंटी में तैयारी कर ली गई है, चूंकि ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का कार्यक्रम होगा इसलिए
पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसे और भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो इसकी शुरुआत हुई है वो भोगनाडीह जैसे शहीद स्थल से हुई है, जो झारखंड के सिधो कानो फूलो झानो चांद भैरव के का स्थल रहा है, पावन स्थल रहा है। वहाँ अमित शाह गए थे, वहाँ पूजा अर्चना के बाद साहिबगंज में सभा की थी। आज भी एक सभा हुई है, आपने देखा कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य वो आए थे कोडरमा में, वहाँ उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। इस तरह प्रत्येक दिन कोई न कोई बड़े नेता आ रहे हैं और आएंगे भी। कल देखा आपने कि राजनाथ सिंह की दो सभाएं हुई थी। इस कार्यक्रम को चुनाव से पूर्व बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है और चुनावी रंग का ही कार्यक्रम है। देखिए, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन बीजेपी इसे चुनावी तरीके से ही तैयारी कर रही है। दो दो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड किए हुए हैं, एक हेलीकॉप्टर तो आपका लगभग एक महीने से, दूसरा हेलीकॉप्टर भी दो तीन दिन पहले से आया हुआ है और अलग अलग स्थानों पर सभा हो ही रही है। बाबूलाल मरांडी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उधर अमर बावरी भी अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जो प्रमुख नेता हैं वो सभी जगह जा रहे हैं। 81 विधानसभा में ये कार्यक्रम होना बिल्कुल, है इसलिए बिल्कुल राजेश, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, 40 धर्म स्थलों से यह यात्रा गुजर रही है, जो आपने जानकारी साझा की बेहद महत्वपूर्ण था। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज भी लाइव जुड़े हुए हैं, मनोज का रुख करेंगे। मनोज, पूरे झारखंड में इस वक्त परिवर्तन यात्रा की लहर देखने को मिल रही है। कोल्हान के शेर, कोल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल है। परिवर्तन लहर और परिवर्तन यात्रा की लहर कोल्हान में कैसे देखने को मिल रही है, तमाम जानकारी साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे कल भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री है, वो बहरागोड़ा में एक सभा परिवर्तन महारैली का आगाज करेंगे और बहरागोड़ा से शुरू होगा, तो जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है बहरागोड़ा से। उसके बाद में रोड शो करेंगे और रोड शो जो होगा वो कम से कम 40 किलोमीटर का होगा। तो बहरागोड़ा विधानसभा और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, दो विधानसभा क्षेत्र को वो टच करेंगे। उसके बाद जो स्थानीय नेता है, स्थानीय कार्यकर्ता है, वो मौजूद रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कोल्हान टाइगर का ये इलाका है और कोल्हान टाइगर के इस इलाके में जो तैयारी है वो उस वक्त से है, क्योंकि परिवर्तन रैली अब शुरू हुआ है 20 तारीख से, जब अमित शाह हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिस दिन आए उस दिन ही उन्होंने आगाज कर दिया था और उसके बाद वो यहाँ की जो जनता है और यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो रेस हो गए थे। और जनता इस बार निश्चित तौर पर परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोगों की निगाहें भी हैं, क्योंकि विकास की बात कर लें, साथ साथ नौकरी की बात कर लें, तो तमाम ऐसे मुद्दे जो 5 साल पहले हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था वो आम जनता कह रही है कि पूरा नहीं हो पाया। और इस बार जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन दिख रहा है। चंपाई सोरेन लगातार जब बीजेपी में आने वाले थे उससे पहले लगातार वो परिवर्तन को लेकर दौड़ रहे थे, पूरे कोल्हान का उन्होंने दौरा किया है और जो भीड़ बयां कर रहा है कि निश्चित तौर पे युवा की टोली और साथ साथ बुजुर्ग और महिलाओं की टोली ये पूरे एक तरफ है। और जैसे ही चंपाई सोरेन निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलता है, वैसे ही लोगों की भीड़ लग जाती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये पूरे कोल्हान ही नहीं पूरे झारखंड में ये परिवर्तन की लहर दिख रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन महारैली चल रही है वो काफी सक्सेस दिख रहा है, चाहे वो संथाल की बात कर ले, चाहे वो कोल्हान की बात कर ले। तो तमाम जगहों पे जब देश के प्रधानमंत्री भारी बारिश में आते हैं और हुंकार भरते हैं, उसके बाद गृह मंत्री पहुंचते हैं, उसके बाद में रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, तो तमाम बड़े लीडर झारखंड में आ रहे हैं और साथ साथ जो यहाँ के कार्यकर्ता है, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनको कम से कम ये दम दे रहे हैं कि देखिए अब परिवर्तन की जरूरत है और आप एक बार मौका दे दीजिए, निश्चित तौर पे झारखंड का विकास होगा और झारखंड का बिल्कुल। तो मौजूदा राज्य सरकार पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हमलावर हैं और जरिया परिवर्तन यात्रा का है। परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेता राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिनमें से एक वादा खिलाफी का है, बेरोजगारी का है और
साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राज्य सरकार पर हमलावर है। आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से हमारे संवाददाता राजेश भी जुड़े हुए थे। राजेश आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।